हाँ जय माता दी। और सुनाओ आप सभी कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। माँ भगवती से यही कामनाएं करता हूँ आप लोग जिधर भी रहो उधर खुश रहो। चले दोस्तों आज बामत साधना में बताऊंगा दोस्तों। ये भी साधना दोस्तों प्राचीन साधना है दोस्तों, गुप्त है, क्योंकि गुप्त तरीका से साधक साधिकाएं को दोस्तों इसको सिद्धि करवाया जाता है, अच्छा है इसको किया जाता है दोस्तों। क्योंकि ये जौन देवी है बहुत उग्र है दोस्तों, जौन सा भी साधक एक बार इसको सिद्धि कर लिया तो जिंदगी में मारण उच्चाटन विध्वेषण स्तंभन सम्मोहन वासीकरण जैसा भी दोस्तों क्रिया हो ये करने में सक्षम है दोस्तों। खास करके इसको मारण और उच्चाटन और विध्वेषण क्रिया के लिए दोस्तों साधक साधिकाएं चाहे जौन सा भी तांत्रिक ओझा भक्ता इसको करते हैं दोस्तों, ठीक है। जौन बामत है दोस्तों माँ भगवती का दोस्तों एक गण है दोस्तों, जैसा महाकाली हुआ काली हुआ कंकाली हुआ दोस्तों उसी का गण है दोस्तों। आप सोचेंगे ये गण किसको बोलते हैं, सायर देहाती एरिया में और ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों इसको सायर के नाम से दोस्तों लोग जानता है दोस्तों। क्योंकि जब काली और महाकाली और कंकाली को जब दोस्तों करा घूमता है उसके आसपास में कोई आदमी जब भेटाने के बाद में ये तत्काल उसको मृत्यु दे देती है दोस्तों ये बामत। अब बामत ये जौन है दोस्तों तामसिक शक्ति से इसको सिद्धि तांत्रिक लोग ओझा भागता इसको करते हैं, सात्विक शक्ति से बहुत कम ही दोस्तों इसको सिद्धि किया जाता है। क्योंकि किसी किसी को मैं देखा हूँ उसी का कुल देवी दोस्तों बामत रहती है। तो बामते में है दोस्तों सात किस्म के है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जौन बारे में है दोस्तों वीडियो में दूसरा मैं बताऊंगा दोस्तों कौन कौन बामत होती है उसका नाम क्या क्या है, ठीक है। आप लोग का पता होगा लाल बामन छोटा बामन, ठीक है, इसके नाम से दोस्तों आप लोग जानते होंगे। क्योंकि जौन बामत है दोस्तों इसका जौन रूप है, ठीक है, यानी कि नटखट जौन नटखट बालक जैसा होता है यानी कि छोटा वैसा ही दोस्तों ये बामत रहता है। और उसका जौन केस जौन रहता है एकदम पूरा लंबा लंबा रहता है दोस्तों, सिर से लेकर पैर तक ले दोस्तों उसका जौन बाल ये जौन रहता है वो रहता है, ठीक है, सिर का जौन बाल रहता है एकदम पूरे बदन में दोस्तों, ठीक है। तो ये बामत है दोस्तों तामसिक शक्ति द्वारा इसको सिद्धि किया जाता है या करवाया जाता है दोस्तों, ठीक है। सामग्री जौन लगेगा दोस्तों पूजा पाठ का जौन सामग्री जौन लगता है दोस्तों तामसिक शक्ति को जैसा भोग देते हैं वही हिसाब से लगेगा और इसमें कोई बिना भेव नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब चाहते हो इसको सिद्धि करने के लिए तो देखो मैं एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा उग्र शक्ति को आप साधना नहीं करिए, चाहे इसको जागृत नहीं करिए या जगाने का प्रयास नहीं करिए दोस्तों। नहीं तो एक बार जब इसको जागृत कर लिया दोस्तों सात पीढ़ी तक ले दोस्तों ये जौन शक्ति है वो हैरान करती है या परेशान करती है। हाँ जब पूजा पाठ जब करना चाहते तो ऐसा ही करो ना, धूप बत्ती से पूजा पाठ कर सकते हो, मंत्र द्वारा चला सकते हो दोस्तों। आप बोलेंगे नहीं इसको जागृत करने के लिए सात पीढ़ी तक ये परेशान करती है, जौन सा भी आदमी पूजा पाठ इसको नहीं देगा वही आदमी को परेशान करेगी। मान के चलो आप हुआ एक, आप इसको सिद्धि किया, आपको पूरा माने आप मरने के बाद में आपके आपका वाइफ जो मरने के बाद में फिर एक पीढ़ी जैसा लड़का हो गया वो भी पूजेगा, उसका लड़का भी वो भी पूजेगा, फिर उसका लड़का भी वो पूजेगा,
ऐसे ही पूछते पूछते 7 पीढ़ी तक जाएगा, फिर ये बामत पूछ नहीं करेगी। नहीं तो एक बार जब इसको जागृत जब कर लिया दोस्तों, आप मान के चलो इसको पूजा पाठ किया या जागृत कर लिया, बोलते हैं कि चलो मेरा लड़का है इसको पूजा पाठ नहीं करे, तो उसको परेशान करेगी। एक पहले बात ख्याल करना, ये बामत जोन है उग्र शक्ति है दोस्तों, इसलिए इसमें ज्यादा दोस्तों मारण उच्चाटन विध्वेषण और स्तंभन क्रिया के लिए दोस्तों ये प्रयोग होता है। ये 4 क्रिया में दोस्तों सबसे ज्यादा इसमें मारण क्रिया दोस्तों ये इसको प्रयोग होता है। मारण क्रिया दोस्तों ये क्षण भर में करती है दोस्तों, सिर्फ हुकुम का जरूरत है दोस्तों, आदेश का जरूरत है दोस्तों, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे मंत्र में बामत का नाम आता होगा, ठीक है, तो इसलिए चलो जन इसका विधि विधान है, मैं विधि विधान बता देता हूँ। 11 दिन का साधना है, 11 दिन में जाकर ये सिद्धि होता है आपके साथ में, अदृश्य रूप में रहेगा। जौन सा भी कार्य इसको बोलेंगे वो कार्य करेगा। मैंने एक बात के इधर में सावधान करता हूँ, कोई भी काम उसको देने से पहले 5 बार पहले सोचना है, नहीं तो कोई जब बात होगा नाफा या नुकसान खुद जिम्मेवार होगा, मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूँ, मेरा चैनल उसका जिम्मेवार नहीं है। बलि जौन लगता है दोस्तों साल में एक बार इसको लाल मुर्गा को बलि लगता है, वो भी बोलने वाला, ठीक है। भोग जोन लगेगा दोस्तों, भोग लगेगा आपको 2 ताला हुआ मछली चाहिए, 2 अंडा चाहिए, देसी शराब के 1 क्वार्टर चाहिए दोस्तों, चमेली का फूल चाहिए दोस्तों, अगरबत्ती चाहिए दोस्तों, एक दीपक जलाना पड़ेगा दोस्तों सरसों या चमेली का तेल का। मुख जोन रहेगा आपको पूरब के तरफ रहेगा। आसन जोन रहेगा दोस्तों कुशा के आसन आप लेकर उस पर क्या करिए, लाल कपड़ा बिछाकर फिर उसके ऊपर बैठिए, आ नहीं तो लाल कम्बल मिल जाता है उसको भी सही है दोस्तों, वो भी उपयोग में ला सकते हैं। कपड़ा जैसा भी रहेगा दोस्तों चलेगा, मैंने कपड़ा थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। माला जोन रहेगा दोस्तों, स्फटिक की माला मिल जाता है तो सही है, नहीं तो रुद्राक्ष माला से मंत्र का जाप कर सकते हर रोज 31 माला। ये जोन साधना है दोस्तों रात्रि को 10:30 बजे से शुरू करना है, ठीक है। एक पहले बात के इधर और सावधान करता हूं दोस्तों, ये साधना आप नहीं करिए, गुरु के सानिध्य में रहकर करिए, नहीं तो कोई जब बात होगा, दूसरा कोई साधना है दोस्तों उसमें जब करेंगे तो उसमें सिद्धि नहीं होगा तो कोई नुकसान भी नहीं होगा। ये ऐसा साधना है दोस्तों इसका जोन प्रकोप है दोस्तों, कोई इंसान पर जब पड़ जाता है दोस्तों तो मेंटल हो जाएगा, पागल हो जाएगा, मर जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये सब तांत्रिक अगड़ अघोरी लोग ये सब साधना दोस्तों करते हैं, ठीक है। तो चले दोस्तों वो जन मंत्र है, मंत्र में बोल देता हूँ, आप लोग ध्यान से उसको सुन लीजिए, नहीं तो मंत्र में थोड़ा सा भी मिस्टेक जब हो जाता है दोस्तों वो मंत्र कट जाता है। एक पहले बात के इधर और मैं बोलता हूं दोस्तों, आप लोग ऐसा जादू टोना मंत्र साधना जब सीखना चाहते हो तो मेरा जन वीडियो के नीचे कमेंट जैसा भी करिए, कैसा आप लोग के साधना चाहिए और कैसा मंत्र चाहिए दोस्तों, फिर मंत्र में बताऊंगा दोस्तों। लाइक भी वीडियो करिए दोस्तों, आज जितना हो सके उतना फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक ग्रुप में भी आप लोग ज्वाइन है दोस्तों उसमें भी शेयर करिए दोस्तों, ताकि नया नया साधक है और मेरा भुलाया भाट का मेरा भाई है वो लोग भी इस साधना के माध्यम से गांव समाज टोले मोहल्ले का रक्षा कर सके दोस्तों। चले दोस्तों मंत्र है, मंत्र में देख लीजिए इधर स्क्रीन पर है, ठीक है, देखिए इधर मंत्र जोन है यही है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने में चलता हूँ दोस्तों, एक और बात के मैं सावधान करता हूँ, बिना गुरु के सानिध्य में ये साधना नहीं करेंगे, कोई भी बात होगा खुद जिम्मेवार होगा। चलिए दोस्तों आज के लिए चलता हूँ, जय माता दी।